बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर अनजाने ने, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर अनजाने ने, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने। स्वागत है दोस्तों मेरी एक और नई वीडियो में, जहां आज की चर्चा का मुद्दा ही कुछ और है। वीडियो के टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो हमारा किस विषय पर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 22 मई 2012 को ट्रेन नंबर 16591 हम्पी एक्सप्रेस, जो कर्नाटका के हुबली जंक्शन से बेंगलोर के बीच चलती है, के साथ हुए हादसे के बारे में। फिलहाल इस ट्रेन को 2013 से मैसूरु तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। दिनांक 21 मई 2012 को ट्रेन नंबर 16591 हम्पी एक्सप्रेस, जो कि काफी फेमस ट्रेन है अपने रूट की, अपने निर्धारित समय शाम के 6:20 पर हुबली जंक्शन से डिपार्ट होती है। ट्रेन होसपेट, बेल्लारी जंक्शन, गुटी, धर्मवरम होते हुए तेजी से बेंगलोर के यशवंतपुर जंक्शन की तरफ बढ़ रही होती है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर थी। रात के करीब 2 बजे धर्मवरम रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने के बाद यात्री सुबह की पहली किरण के साथ ही सुबह 5:40 आवर्स पर यशवंतपुर पहुंचने वाले थे। ये ट्रेन हुबली हॉस्पिटल में रह रहे मजदूर जो बेंगलोर में काम के तलाश में आते हैं के बीच काफी लोकप्रिय भी है, क्योंकि शाम को डिपार्चर होने के बाद सुबह सुबह बेंगलोर पहुंचा देती है ये ट्रेन, जिससे समय की काफी बचत होती है और जिन लोगों को बेंगलोर में कोई काम होता है वो समय से पहुंच जाते हैं। 21 मई 2012 को देर रात यात्री आने वाले कल के ख्यालों में सोने चले गए थे, पर शायद होनी को उस रात कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। ट्रेन को भी बेंगलोर पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। समय हो रहा था रात के 3:15। ये कुछ ही मिनट्स की देरी से पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली होती है, तभी अचानक से हम्पी एक्सप्रेस एक गुड्स ट्रेन से पीछे जोर से जाकर टकरा जाती है। हादसा होते ही सोए हुए लोग होश में आते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ सामान और इंसान जख्मी हालत में फैले पड़े हैं। तब तक कुछ को पता चलता है कि उन्हें भी गंभीर चोट आई है, क्योंकि जिस ट्रेन में वो यात्रा कर रहे हैं वो हादसे का शिकार हो चुकी है और एक जनरल कंपार्टमेंट में आग लग जाती है। चश्मदीदों का कहना है कि लोग चिल्ला रहे थे दर्द से और कुछ उस आग में झुलस भी गए थे। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा ये। कुछ की लाशें कोच के टॉयलेट्स के पास दबी हुई हालत में पाई गईं। सुबह होते होते मरने वालों की संख्या 25 के करीब पाई गई थी, वहीं 43 के करीब गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के तुरंत बाद कर्नाटका के सीएम सदानंद गौड़ा जी हादसे की जगह पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को 1,00,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए देने की घोषणा की जाती है। वहीं रेल मिनिस्टर मुकुल रॉय ने मृतकों के परिजनों को 5,00,000 और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1,00,000 रुपए देने का ऐलान करते हैं। साथ ही साथ इस हादसे में जिन लोगों को सामान्य चोटें आई हैं उनको 25,000 रुपए देने की घोषणा की जाती है। पर इस सब के बाद सवाल तो ये उठता है कि ये हादसा आखिर हुआ तो कैसे हुआ, वजह क्या थी इस हादसे के पीछे। प्राथमिक जांच के बाद आई रिपोर्ट हैरान करने वाली थी, जिसमें बताया गया कि पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले जो सिग्नल था उसको ड्राइवर ने अनदेखा कर दिया और जहां उसे ट्रेन रोकनी चाहिए थी वहां से तेज रफ्तार से ट्रेन आगे ले गया, जिस वजह से मेल लाइन में खड़ी गुड्स ट्रेन से अचानक से टक्कर हो गई। हादसे के बाद जांच में ये भी पता चला कि इमरजेंसी ब्रेक्स भी अप्लाई किए गए थे, पर तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। घटनास्थल से लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट MY रतनाम और बाला राजू दोनों ही फरार हो गए थे, पर क्या ये सिर्फ लोको पायलट की लापरवाही से हुआ था? रेलवे ने ट्रेन लोको पायलट को हादसे का जिम्मेदार ठहराया, पर आइए जानते हैं कि इस हादसे के पीछे और क्या क्या कारण थे। पहला कारण था WDP-4 लोकोमोटिव का इस ट्रेन में लगा होना। हम्पी एक्सप्रेस को हॉल करने वाला लोकोमोटिव WDP-4 भले ही एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली लोकोमोटिव था, पर उसकी एक कमी हमेशा से विवाद का विषय बनी रही है, वो था इसका लॉन्ग हुड। जब लोकोमोटिव LHF यानी लॉन्ग हुड फ्रंट मोड में चलता है तो लोको पायलट्स को सिग्नल देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत
लोको पायलट्स अक्सर करते भी रहते हैं। फिलहाल आजकल इस लोकोमोटिव को मॉडिफाई करके डुअल केबिन दे दिया गया है, पर उस टाइम ये एक बड़ी समस्या थी। दूसरा कारण है सिंगल लाइन पर हाई स्पीड ऑपरेशंस। आप इमेजिन करके देखिए कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे लोकोमोटिव के पीछे वाले केबिन से आप ट्रेन ऑपरेट कर रहे हैं, जहां ट्रेन एक मिनट में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। सिंगल लाइन में डस्ट उड़ने की समस्या डुअल लाइन से ज्यादा रहती है। जैसे आप कार चला रहे हो और आसपास की डस्ट आपके कार में घुस के विजिबिलिटी इफेक्ट कर रही हो। ड्यूटी के दौरान इन लोको पायलट्स पर 1000 से ज्यादा जानों की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, पर कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से इन लोको पायलट से इतनी भारी चूक हो गई। डबल लाइन की तुलना में सिंगल लाइन में ट्रेन्स का ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही लाइन पर अप और डाउन लाइन की ट्रेन्स को मैनेज करना होता है। यहाँ चूक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं होती। एक लाइन पर एक बार में एक ही ट्रेन को मूव कराया जा सकता है। उस दिन भी यही हुआ। मेल लाइन पर एक गुड्स ट्रेन क्लियरेंस का वेट कर रही थी, जिस वजह से लाइन खाली नहीं थी। तीसरा कारण है ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम का ना होना। हालांकि अपनी पिछली गलतियों के बाद रेलवे काफी तेजी से इन चीजों पर कार्य कर रही है, पर उस टाइम अगर ये वार्निंग सिस्टम होता तो शायद इतना बड़ा हादसा सामने ना आता। ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, जब एक ही लाइन पर दो ट्रेन्स आ जाती हैं, तो ट्रेन को अलार्म की तरह अलर्ट कर देता है कि सामने रूट पर ट्रेन है, जिस वजह से लोको पायलट इस जानकारी को सुनने के बाद ट्रेन को वहीं पर रोक सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिस वजह से यह हादसा हुआ। कहीं ना कहीं घटना के हर पहलू पर विचार करना जरूरी है। लॉन्ग हुड लोकोमोटिव्स को डुअल LHF मोड पर यूज करना एक अच्छा विकल्प था, पर लोकोमोटिव्स की शॉर्टेज की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका। फिलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन हर रूट में लगभग हो रहा है, जो एक अच्छी बात है, जिस वजह से ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम इनेबल्ड भी हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि फ्यूचर में इस तरह का हादसा सुनने में कभी ना आए और हमारी रेल यात्रा हमेशा सुखमयी बनी रहे। आप लोगों का इस हादसे के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत और जल्द ही मिलूंगा अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।